Hello students, this video is for class 7 science. Here I am going to revise chapter 6, that is physical and chemical changes. So let's get started. First of all, we will talk about the physical changes. Physical changes, वो changes होते हैं जब किसी भी substance के physical property में कोई alteration आता है. फिज़िकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? तो फिज़िकल प्रॉपर्टी किसी सबस्टेंस की वो कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी होती है जो उसके फिज़िकल नेचर को डिस्क्राइब करती है. दोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सबस्टेंस दैट डिस्क्राइब इट देयर फिज़िकल नेचर, दैट प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड एज फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. जैसे कि कलर, डेंसिटी, शेप, साइज एंड वॉल्यूम, दीज आर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी सबस्टेंस. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को आप देख सकते हो, सुन सकते हो, यू कैन फील इट, यू कैन टच इट, स्मेल कर सकते हो एंड मेज़र कर सकते हो. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, गोल्ड इज़ शाइनिंग. तो ये जो शाइनी अपीयरेंस है, ये गोल्ड की फिज़िकल प्रॉपर्टी है जिसे हम अपने आँखों से देख सकते हैं. मेटल इज़ सोनोरस. मेटल को अगर आप हिट करते हैं तो उसे साउंड प्रोड्यूस होता है. साउंड को आप हेयर कर सकते हैं. तो साउंड ये प्रोडक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैसी प्रॉपर्टी है? फिज़िकल प्रॉपर्टी है. देन रबर को अगर आप बेंड करते हैं तो यू कैन फील इट. तो ये जो बेंड होने की प्रॉपर्टी है, ये भी फिज़िकल प्रॉपर्टी है. सिरेमिक पॉट इज़ हार्ड. अगर आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो उसकी हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ये कैसी प्रॉपर्टी होगी? फिज़िकल. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. जब भी किसी सबस्टेंस के फिज़िकल नेचर में, फिज़िकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आता है तो हम उसको फिज़िकल चेंज कहते हैं. तो आप कह सकते हैं कि फिज़िकल चेंज इज़ अ चेंज विच अकर्स व्हेन देयर इज़ एन अल्टरेशन इन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सबस्टेंस. फिज़िकल चेंज में कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता है. द फिज़िकल चेंज डजंट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू सबस्टेंस बट कैन अल्टर द शेप एंड साइज ऑफ द एग्जिस्टिंग सबस्टेंस. सिर्फ उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी में अल्टरेशन आता है, चेंज आता है, कोई नया सबस्टेंस इसमें नहीं बनता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आप कुछ फिज़िकल चेंजेस देख सकते हैं. क्रशिंग अ कैन. अगर आप किसी कैन को क्रश करते हैं तो बस उसका शेप एंड साइज चेंज होगा, कोई नया सबस्टेंस नहीं बनेगा. मेल्टिंग एन आइस क्यूब. आइस क्यूब मेल्ट होता है तो ये उसके स्टेट ऑफ मैटर ही चेंज करता है, सॉलिड से ये लिक्विड हो जाता है, तो ये एक फिज़िकल चेंज है. बॉइलिंग वाटर. वाटर को जब बॉयल करते हैं तो पानी का सिर्फ स्टेट चेंज होता है, जो कि एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है. मिक्सिंग सैंड विद वाटर. ब्रेकिंग ग्लास. ग्लास को अगर आप ब्रेक करते हो तो ग्लास का शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा, ग्लास ग्लास ही रहेगा, कोई नया सबस्टेंस नहीं बनेगा. तो ये एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है, फिज़िकल चेंज है. डिजॉल्विंग सुगर इन वाटर. श्रेडिंग पेपर. चॉपिंग वुड. मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड मार्बल. सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फिज़िकल चेंजेस. हियर यू कैन सी नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्मिंग, ओनली द फिज़िकल प्रॉपर्टीज आर गेटिंग चेंज. नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल चेंज. केमिकल चेंज आपको देखने को तब मिलेगा जब किसी सबस्टेंस की केमिकल प्रॉपर्टी में कोई अल्टरेशन आएगा. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्टेंस आर दोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सबस्टेंस दैट डिस्क्राइब इट्स केमिकल नेचर. तो केमिकल प्रॉपर्टी किसी सबस्टेंस का वो कैरेक्टरिस्टिक होता है जो उसके केमिकल नेचर को डिस्क्राइब करता है. जैसे कि टॉक्सिसिटी ऑफ अ सबस्टेंस. कोई सबस्टेंस की टॉक्सिसिटी क्या है? उसका केमिकल नेचर है. हाउ अ सबस्टेंस रिएक्ट्स विद अदर सबस्टेंस इज इट्स केमिकल प्रॉपर्टी. कोई सबस्टेंस किसी दूसरे सबस्टेंस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है. तो केमिकल चेंजेस तब आपको पता लगेगा जब किसी सबस्टेंस की केमिकल नेचर में, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, तो तभी हम उसको केमिकल चेंज कहेंगे.
यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, टॉक्सिसिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हीट ऑफ कम्बशन, केमिकल स्टेबिलिटी, फ्लेमेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर, रिएक्टिविटी, पॉसिबल केमिकल बॉन्ड्स, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये सारी क्या हैं, किसी भी सबस्टेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इंक्लूड होती हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन वो चेंज होगा जिसमें किसी सबस्टेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, ठीक है, तो उसको हम केमिकल चेंज बोलेंगे। जब कभी भी कोई सबस्टेंस केमिकल चेंज शो करता है तो उसमें एक नया सबस्टेंस बनता है। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज ब्रिंग्स अबाउट अ न्यू सबस्टेंस। केमिकल चेंज में हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ बनती है, ये केमिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जैसे यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हो, आयरन रस्टिंग, रस्टिंग होती है आयरन की, तो वहाँ पर एक नया सबस्टेंस बनता है जिसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। बर्निंग ऑफ वुड, अगर आप किसी लकड़ी को जलाते हो तो आप देखते हो कि लकड़ी जो है वो एक नए फॉर्म में, नए सबस्टेंस में चेंज हो जाती है, एशेज में चेंज हो जाती है और स्मोक्स एंड एशेज बन जाता है जब आप लकड़ी को जलाते हो। मेटाबॉलिज्म, जो हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे भी एक सबस्टेंस से नया सबस्टेंस बनता है। कुकिंग एन एग, एग को कुक करना भी एक केमिकल चेंज है। बेकिंग अ केक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रॉटिंग बनाना, विनेगर इन बेकिंग सोडा मिक्सचर, फायरवर्क, केमिकल बैटरी, ये सारे क्या हैं, केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। इन सब में इन चेंजेस के रिजल्ट में कोई नया सबस्टेंस आपको बनता हुआ दिखाई देगा। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज। सबसे पहले आप रस्टिंग ऑफ आयरन देख सकते हैं, एक बहुत ही कॉमन केमिकल चेंज है। इसमें आयरन जो होता है वो मॉइस्चर और एयर से कांटेक्ट में आकर आयरन ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आयरन की जो चेन है वो किस तरीके से इसमें रस्टिंग हो गई है, तो ये एक केमिकल चेंज है। अगर आप मैग्नीशियम को जलाएंगे तो मैग्नीशियम जब जलता है तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और इसमें आपको लाइट और एशेस देखने को मिलता है, तो ये भी एक क्या है, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब कि ये वापस रिवर्स नहीं हो सकता है। बॉइलिंग ऑफ एग, एग को जब आप बॉयल करते हैं तो एग के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं। एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर, फायर क्रैकर का एक्सप्लोजन भी केमिकल चेंज का ही एग्जांपल है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क जो है वो दही में कन्वर्ट होता है, तो ये भी एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है। इसमें आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो बिल्कुल अलग एक चीज़ होती है और दही बिल्कुल अलग, तो इसमें दूध से बिल्कुल नया सबस्टेंस बन जाता है जिसको दही हम बोलते हैं, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। A chemical change is always accompanied by any one or all of the following way. जब भी कभी कहीं पर भी chemical change होता है तो कुछ आपको effects देखने को मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें chemical change के characteristic feature होते हैं। सबसे पहला radiation और absorption of heat, या chemical changes में या तो heat को absorb किया जाता है या फिर heat उसमें से liberate होता है, निकलता है। second प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड का भी प्रोडक्शन हो सकता है अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो, जैसे कि एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर। चेंज इन द कलर ऑफ द सबस्टेंस, केमिकल चेंज में सबस्टेंस का कलर चेंज हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जब रस्टिंग होता है तो आयरन जो होता है वो ब्राउनिश कलर के सबस्टेंस में चेंज हो जाता है। चेंज इन द स्मेल ऑफ द सबस्टेंस, स्मेल भी बदल जाती है केमिकल चेंज में, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई
रॉ फ्रूट है तो जब वो पक जाता है तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, तो ये एक केमिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फॉर्मेशन ऑफ अ गैस, केमिकल चेंज में गैसेस का भी फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड एज रेजिड्यू, केमिकल चेंजेस में सॉलिड रेजिड्यू का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें केमिकल चेंज में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम केमिकल चेंज में जो उन किसी सबस्टेंस की प्रॉपर्टी में जो चेंजेस आते हैं उनका एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे कि रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो हीट का एब्जॉर्प्शन होना या निकलना, जैसे कि आप कोल वुड या कैंडल को जलाते हैं तो इनको जलाने के लिए आपको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, और जब एक बार ये केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं, केमिकल चेंज, जब ये कोल वुड या कैंडल बर्न होने लगता है तो आप देखते हैं कि इसमें से हीट एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस रिजल्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड देयरफॉर इट इज़ अ केमिकल चेंज। कोई जो बर्फ़ है जब वो पिघलती है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो ये इसीलिए ये केमिकल चेंज है। सेकेंड प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो फायर वर्क को जब हम बर्स्ट करते हैं तो आपको साउंड, हीट, ये सारी चीज़ें उसमें से निकलती हुई दिखाई देती हैं। चेंज द इन द कलर ऑफ द सबस्टेंस, केमिकल चेंज में कलर भी चेंज होता है। फॉर एग्जांपल जो कच्चे फल और सब्जियां होती हैं, अगर आप इनको छोड़ दें काट कर एयर में कुछ समय के लिए, तो आप देखते हैं कि वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है उसका सरफेस। इसी तरीके से रस्टिंग ऑफ आयरन रिजल्ट इन चेंज ऑफ कलर ऑफ आयरन टू रेडिश ब्राउन, ये भी एक केमिकल चेंज का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फॉर्मेशन ऑफ अ गैस का एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब किसी एंटासिड को मिक्स करते हैं वाटर में तो कुछ बबल्स उसमें दिखाई देते हैं। तो ये बबल्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन ऑफ गैस को इंडिकेट करते हैं, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। चेंज इन द स्मेल ऑफ द सबस्टेंस, वेन द फूड गेट इज स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूसेस फाउल स्मेल, जब भी कोई खाना सड़ रहा होता है तो उसमें से आपको स्मेल निकलती हुई दिखाई देती है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ केमिकल चेंज इन द फूड। रॉटन एग्स ऑफन प्रोड्यूस अ बैड ऑडर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ सल्फर। तो आप अगर एग सड़ रहा हो तो उसमें से आपको एक बैड ऑडर दिखाई फील होती है, वो बैड ऑडर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सल्फर गैस होती है। फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, टू लिक्विड्स कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट। अगर किसी दो लिक्विड को मिला रहे हैं और कुछ सॉलिड सबस्टेंस उनके मिलने से बन रहा है तो हम उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे कि शेल्स ऑफ एनिमल्स आर प्रेसिपिटेट्स फॉर्म बाई केमिकल चेंज। तो जो एनिमल्स की बॉडी में शेल्स होती हैं, ऐसे एनिमल जिनमें शेल पाए जाते हैं जैसे कि स्नेल या फिर पर्ल ऑयस्टर, तो ये जो उनकी शेल्स बनती हैं वो एक तरीके से केमिकल चेंज के ही रिजल्ट में बनती हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग एक केमिकल चेंज है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयरन जो है वो जब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो इन तीनों के बीच में रिएक्शंस होते हैं, और उस केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट में आपको रेड कलर्ड का फ्लैकी सबस्टेंस देखने को मिलता है आयरन के सरफेस पे, और इसी रेड कलर के फ्लैकी सबस्टेंस को हम रस्ट कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रस्टिंग इज़ अ केमिकल चेंज, और इसमें आयरन जो होता है एफ़ी, इट कम्बाइंस विथ ऑक्सीजन एंड वाटर टू मेक Fe2O3 इंटू H2O, जिस इसी को हम आयरन ऑक्साइड या फिर कॉमनली रस्ट कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज़ अ हार्मफुल फिनोमेना, ये एक अनडिज़ायरेबल और हार्मफुल फिनोमेना होता है, और ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है, इससे लॉस होता है। तो उसके लिए हम कैसे रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम आयरन के ऑब्जेक्ट्स को पेंट कर देते हैं। तो पेंट करने से एक बैरियर बन जाता है और आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है और उनमें रस्टिंग नहीं होती है।
दूसरा एक हम टेक्निकल प्रोसीजर यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आयरन को हम किसी दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल से क्या करते हैं, कवर अप कर देते हैं, जैसे कि जिंक या फिर क्रोमियम मेटल से। तो एक मेटल को किसी दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल से कवर कर देना, उसकी लेयरिंग बना देना, उसकी सरफेस को ढक देना, इसी को हम गैल्वनाइजेशन कहते हैं। तो हम क्रोमियम की लेयरिंग कर देते हैं या जिंक की लेयरिंग कर देते हैं आयरन ऑब्जेक्ट पर। तो इससे आयरन जो होता है वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाता है और उसमें रस्टिंग नहीं हो पाती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक फिज़िकल प्रोसेस है और इसमें हम किसी सबस्टेंस के प्योर फॉर्म से, जो कि सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, उससे हम सॉलिड क्रिस्टल्स प्रिपेयर करते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ अ प्योर सबस्टेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी कैन ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट बाय बॉइलिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जैसे कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को अगर हम बॉयल करें तो फिर हम देखते हैं कि उसमें से वाटर जो होता है वो एवेपोरेट हो जाता है और कॉपर सल्फेट जो होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है क्रिस्टल्स के फॉर्म में और इसी को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर ही चेंज होता है, लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। तो ये एक तरीके का फिज़िकल चेंज है और ये एक रिवर्सिबल चेंज होता है। Now this is the time for your assignment. So here are some questions given to you and you have to find out the answers of these questions and you have to write it in your practice copy as well as you have to learn it. So the question number one is 5 examples of physical and chemical change. आपको कोई भी 5 physical और chemical change के बारे में लिखना है और याद करना है। Then what is galvanization? Galvanization क्या होता है? You have to write and learn the answer of this question. What is rusting? Rusting को आपको define करना है। What is crystallization? Crystallization किसे कहते हैं? And then there is a question number 5 which is when a candle burns both physical and chemical changes takes place. जब भी किसी candle को हम जलाते हैं तो वहाँ पर आपको physical और chemical change दोनों देखने को मिलता है। तो आपको ये changes को identify करना है, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा उसमें इवेंट हो रहा है जो केमिकल चेंज है और कौन सा इवेंट फिज़िकल चेंज है। और एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जांपल ऑफ अ सिमिलर प्रोसेस इन विच बोथ केमिकल एंड फिज़िकल चेंजेस टेक प्लेस। और आपको ऐसा ही कोई दूसरा एग्जांपल बताना है जिसमें दोनों ही चेंजेस एक साथ होते हैं, फिज़िकल और केमिकल दोनों। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं और इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं और उन्हें अपनी प्रैक्टिस कॉपी में लिखना है। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।